कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि रमजान आपका अच्छा गुजर रहा होगा। और अगर रोजा रखकर दिन बहुत लंबा लगता है तो वक्त बिताने के लिए हम हैं ना, क्योंकि वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड इस कदर इंटरेस्टिंग है कि कम से कम ये वाले चंद मिनट गुजरने का एहसास तक नहीं होगा। तो फिर बिना आपको इंतजार करवाए एपिसोड करते हैं शुरू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना, तभी तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहेंगी। व्यूअर्स, कहते हैं अच्छे दोस्त हमेशा कमीने होते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो अपने दोस्त के साथ मजाक की हर हद पार कर डाली। जरा देखिए और बताइए कि आपका वास्ता कभी ऐसे दोस्त से पड़ा है। अब आपको मिलवाते हैं इन चार दोस्तों से, जो मालूम नहीं कि ज्यादा बेवकूफ थे या खुशकिस्मत, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जाते हुए जब रास्ते में इन्होंने दो शेर देखे तो चुपचाप गुजर जाने की बजाय उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, अपनी इस बेवकूफी की बकायदा वीडियो भी बनाते रहे ताकि बाद में दूसरों को भी दिखा सके। खुशकिस्मती ये थी कि शायद वो शेर शिकार पर नहीं निकले हुए थे, वरना अगर वो इन पर झपट पड़ते तो इनकी हड्डियां तक न मिलती। पिछले बरस कोरोना वैक्सीन के दौरान अजीबोगरीब थ्योरी सामने आती रही थी। वैक्सीन के बाद किसी का बल्ब जलना शुरू हो गया था, तो किसी के बाजू से मकनातीस चिपकना, और कुछ लोगों ने तो वैक्सीन इंजेक्शन लगने की वीडियो शेयर करते हुए ये कहा कि वैक्सीन के नाम पर लोगों की जान से खेला जा रहा है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद लापरवाही से अक्सर वो सुई लोगों के बाजू के अंदर ही छोड़ दी जाती है। और इस साजिशी थ्योरी पर दुनिया भर में बहुत से लोगों ने यकीन भी किया, क्योंकि इन तमाम वीडियोस में वैक्सीन लगने के बाद इंजेक्शन की सुई बाहर निकलते हुए नजर नहीं आती थी। असल में दोस्तों, ना तो ये डॉक्टर्स की लापरवाही थी और ना ही कोई साजिश, बल्कि वैक्सीन जिस्म में दाखिल करने के लिए एक खास किस्म की ज्यादा महफूज सिरिंजेस यूज की गई थी, जिनमें वैक्सीन लगाने के बाद जब डॉक्टर्स इस सिरिंज को थोड़ा पुश करते थे तो स्प्रिंग की मदद से उसकी सुई वापस इंजेक्शन में चली जाती थी। इस चीज का मकसद एक तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से बचाना और दूसरा इस्तेमाल शुदा सिरिंज को सही तरीके से डिस्पोज करना था। लेकिन इस वेली कॉम का क्या ही कहना कि बैठकर तरह तरह की थ्योरीज घड़ते रहते हैं। वैसे दोस्तों, हमें लगता है कि इन देसियों का दिमाग उल्टे कामों में कुछ ज्यादा ही चलता है। यकीन ना आए तो इस एटीएम फ्रॉड की वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आदमी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए आता है, लेकिन अपना कार्ड सही तरह से लगा नहीं पाता। इसी दौरान मदद करने के बहाने उसके पीछे पीछे एक और आदमी आ जाता है और उसे सही तरह से कार्ड लगाने का तरीका बताकर पैसे निकालने को बोलता है। लेकिन निहायत चालाकी से इसने उस आदमी का एटीएम कार्ड बदल दिया और पीछे खड़े होकर उसका पिन कोड भी देख लिया। और फिर दीदा दिलेरी चेक कीजिए कि उस आदमी के बगल में खड़े होकर उसी का कार्ड यूज करते हुए पैसे निकलवाए और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर एटीएम कार्ड यूज करता है तो उन्हें ये वीडियो दिखाकर इस किस्म के फ्रॉडियों से होशियार करवा दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आपको हंसाएगी भी और हैरान भी करेगी दोस्तों। इन भाई साहब ने ट्रैकिंग करते हुए खूबसूरत मौसम और सुहाना मंजर देखा तो वहीं पर अपना कैंप गाड़ लिया और जूते बाहर उतार कर उसमें घुस गए। फिर वहां पर चरते हुए आती है एक गाय, जो इस आदमी के जूते देखती है और पहले अपना अगला पाँव उसमें डालती है और जॉगर्स पसंद आने पर अपना पिछला पाँव दूसरे जूते में डालकर वहां से चलती बनती है। अब यकीनन आपने जिंदगी में ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, तो आपको बता दें कि असल में ये एक मेंटोस का ऐड था। इजिप्ट के इस शहरी की वीडियो दुनिया भर में बेहद वायरल हुई, जिसमें उसने दिखाया कि कैसे एक चोर ने उसकी बाइक चुराने के लिए पूरे डेढ़ बरस तक मेहनत की और इतनी लंबी प्लानिंग के बाद आखिरकार एक रोज उसकी बाइक चुराने में कामयाब भी हुआ। ये पहली क्लिप जुलाई 2016 की है और सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो कि चोर अपनी गाड़ी से उतरकर गली में आता है और वहां खड़ी एक बाइक का हैंडल तोड़कर उसे स्टार्ट करने के लिए वायर्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से बाइक के मालिक की उस पर नजर पड़ गई और वो भागता हुआ उसके पीछे आया, जिस पर चोर भी सर पर पांव रखकर भाग गया। और अगली सीसीटीवी फुटेज ठीक डेढ़ बरस बाद की है, जिसमें वही चोर आता है और सीधा उसी बाइक की जानेब आकर उसे स्टार्ट करने के लिए वायर से छेड़छाड़ शुरू करता है। लेकिन इस बार बेचारे मालिक की किस्मत फूटी थी कि उसकी नजर बिल्कुल नहीं पड़ी और चोर की डेढ़ साल की प्लानिंग रंग ले आई और वो बाइक पर बैठकर फरार हो गया। कमेंट करके बताना जरूर कि आपके ख्याल में चोर ने बाय चांस वही बाइक चुराई या डेढ़ बरस तक वो उस बाइक की जासूसी करता रहा और मौका मिलने पर चुरा ही ली। इस किराएदार को शक था कि उसका नेबर बाथरूम वेंट से उसकी जासूसी करता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उसका शक बिल्कुल ठीक भी निकला।
इंडिया के एक छोटे से शहर में तेंदुआ आबादी में घुस आया और लोगों का पीछा करते हुए इस दुकान में एंटर होने की कोशिश करने लगा, जिस पर अंदर मौजूद लोगों ने जान बचाने के लिए दरवाजे को जोर से पकड़े रखा। काफी देर तक वो लेपर्ड भी बाहर को दरवाजा खोलने की कोशिश में लगा रहा। आखिरकार इस धींगा मुश्ती से तंग आकर वो इन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। लेकिन इस सारी फाइट के दौरान अंदर मौजूद लोगों की क्या हालत होगी वो आप इमेजिन कर सकते हो। इन मोहतरमा ने कैमरे में देखा कि उनके गार्डन में एक अच्छे खासे साइज का सांप घुस आया है और फिर दूसरों पर अपनी बहादुरी की धाक बिठाने के लिए खुद ही सांप पकड़ने चली गई और उसकी गिरफ्त में अपनी टांग फंसा बैठी। काफी कोशिश के बाद भी जब जान न छूटी तो घबराकर फौरी तौर पर रेस्क्यू वालों को कॉल किया, जिन्होंने आकर इसकी टांग उस सांप से छुड़वाई। खुशकिस्मती ये थी कि वो सांप जहरीला नहीं था, वरना सिर्फ ये एडवेंचर ही आखिरी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का ही आखिरी दिन हो सकता था। चलते चलते इन मोहतरमा को भी मिल लीजिए, जिन्होंने अपने बालों के जूड़े में हेयर कैचर या रबर बैंड की बजाय अपना पेट स्नेक बांधा हुआ था और इसी तरह पूरे शहर में घूम फिर रही थी। अब चाहे आप इसे दूसरों से अलग दिखने की कोशिश ही क्यों ना करार दो, हमारे नजदीक तो ये सीधी सीधी खुदकुशी थी। दोस्तों अब बारी है सोशल मीडिया के इस क्लिप की हकीकत जानने की, जिसमें रात के वक्त सड़क किनारे एक खातून साड़ी बांधे खड़ी थी और बाइक पर एक लड़का उसके पास आकर रुकता है। कुछ देर बातें करने के बाद उसे पैसे पकड़ाता है और अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था जरा आगे, क्योंकि वो लड़की पीछे जाकर अपनी चादर उतारती है और तब पता चलता है कि वो असल में एक पुलिस ऑफिसर है। फौरन ही उसका साथी पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है और लड़के को धर लेते हैं। अब वीडियो तो ये भी खूब वायरल हुई, लेकिन इसकी हकीकत भी ये थी कि ये गलत काम करने वाले नौजवानों को बचाने के लिए बनाई जाने वाली एक अवेयरनेस वीडियो थी। लेकिन ऐसी अवेयरनेस वीडियो से कम ही लोग सुधरते हैं, वरना इस तरह के वाकयात डेली ना हो, जैसा कि कराची में हुआ। ये बेचारी खातून सौदा सलफ लेकर अपने घर को वापस आ रही थी, मगर इससे पहले कि घर में दाखिल होती इनके पीछे पीछे इनको ताड़ते हुए एक डाकू आया और इनके हाथ से कुछ कैश और मोबाइल छीन कर देखते ही देखते फरार हो गया। गली की नुक्कड़ पर मौजूद एक शख्स ने उन्हें रोकने और पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो पहले ही बाइक मोड़कर दूसरी जानिब निकल गए। दरिया के दूसरी जानिब निकलने के लिए इन बेवकूफों का आइडिया चेक कीजिए कि एक कश्ती में लाखों रुपए मालियत की गाड़ी डालकर ले जा रहे हैं और जिस तरह वो कश्ती झूल रही है, जरा सा इम्बैलेंस होने पर इनके लाखों रुपए डूब जाने थे। इनसे कहीं ज्यादा अकलमंद तो ये आदमी था जिसने नदी पार करने का क्या कमाल जुगाड़ निकाला। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे, देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।